जैसे सूर्य उत्तर की ओर झुकने लगता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण काफी शुभ माना गया है। इस शुभता का जश्न मनाने के लिए पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू हुई। पतंग शुभता, आजादी और नई शुरुआत का प्रतीक है। गट्टू चिंकी भी पतंगबाजी के लिए काफी उत्सुक थे। मकर संक्रांति के एक दिन पहले पतंग लाने के लिए वे पापा के साथ मार्केट आए। मार्केट में काफी भीड़ थी, काफी लोग संक्रांति की शॉपिंग कर रहे थे। संक्रांति की जरूरी शॉपिंग होते ही पापा बोले, चलो अब पतंग लेने के लिए पतंग गली चले। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी पापा के साथ पतंग गली में आए। गट्टू चिंकी ने सोचा था पतंग गली की हर दुकान रंग बिरंगी पतंगों से सजी होगी, बच्चों के इंतजार में पतंग झूम रहे होंगे। लेकिन उनकी घोर निराशा हुई, क्योंकि दुकानों में पतंग काफी कम थे और जो थे वो भी फटे पुराने मालूम हो रहे थे। सब लोग एक दुकान में आए, वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। तब पापा बोले, चाचा जी पतंग काफी कम है इस साल, बच्चे आकर ले गए क्या? बच्चे लेकर नहीं गए, बच्चे तो आ ही नहीं रहे, इसीलिए तो मार्केट में पतंग देख नहीं रहे। मैं कुछ समझा नहीं, पतंग का पूरा मार्केट बच्चों पर होता है और बच्चों को मोबाइल से फुर्सत कहाँ। जब से कोरोना आया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बच्चों को मोबाइल दिए गए हैं। अब बच्चों को मोबाइल की इतनी बुरी लत लग गई है कि वो मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरे खुद के दो पोते हैं घर में, पतंग को हाथ भी नहीं लगाते, बस हर वक्त मोबाइल में गेम खेलते हैं, नहीं तो रील्स देखते रहते हैं। अब आप ही बोलो पतंग का मार्केट डाउन क्यों नहीं होगा? ये सुनकर गट्टू ने चिंकी की तरफ देखा। सच कहा आपने, हमारे सोसाइटी के बच्चे भी पहले रात दिन कैंपस में खेलते रहते थे, लेकिन कोरोना के बाद से किसी को बाहर खेलते हुए नहीं देखा मैंने। अब ये सब तो चलता ही रहेगा। बोलो बच्चो आपको कैसे पतंग चाहिए? परेशान गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनका फैसला हो चुका था। अब हमें पतंग नहीं कुछ और चाहिए। रात में खाना खाकर गट्टू चिंकी और पापा मम्मी को संक्रांति के व्यंजन बनाने में मदद कर रहे थे। मम्मी आप हमसे लड्डू बनवा रही हो, याद है ना आपको, हमारी भी मदद करनी है। हाँ, नहीं तो लड्डू बनते ही सोने चली जाओगी आप और हमारे प्लान का सत्यानाश हो जाएगा, और फिर हमारी प्लानिंग, हमारा सामान सब वेस्ट चला जाएगा। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा मैं पूरी हेल्प करूंगी, अब बस जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और देखते देखते तिल, गुड़ के लड्डू और बाकी व्यंजन भी बनकर तैयार हो गए। चलो अब निकालो तुम्हारा सामान, ये जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा करते हैं हॉल में चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर सब लोग हॉल में आए। पापा और गट्टू ने मिलकर सोफे और बाकी सामान हटाकर जगह बनाई। चिंकी सामान की बैग लेकर आई। गट्टू चिंकी मार्केट से पतंग का सामान लेकर आए थे। उन्हें सोसाइटी में पतंग का पेड़ बनाकर बच्चों को एक मैसेज देना था। मम्मी ने रंग बिरंगी कागज का रोल लिया और कागज पूरे हॉल में फैलाया। चलो पतंग का कागज तो सेट है, अब इसे काट कर पतंग बनाना शुरू करते हैं। फिर क्या, पापा मम्मी और गट्टू चिंकी कैंची से कागज कट करने लगे। मम्मी सबको गाइड कर रही थी और उस हिसाब से सब काम कर रहे थे। देखते देखते काम खत्म हुआ और ढेर सारे रंग बिरंगी पतंग बनकर तैयार हो गए। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर सब नीचे सोसाइटी कैंपस में आए और सबने मिलकर वो पतंग एक पेड़ को बांध दिया। पतंग का पेड़ तैयार हो गया। काफी सारे रंग बिरंगी पतंग पेड़ पर फड़फड़ा रहे थे। अंधेरे में भी पेड़ काफी चमक रहा था और काफी खूबसूरत दिख रहा था। मम्मी पापा और गट्टू चिंकी सब खुश होकर पतंग का पेड़ देखते रहे। वाह ब्यूटीफुल, सब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। गट्टू इसका फोटो ले लो और सोसाइटी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दो। मकर संक्रांति की सुबह हुई। हरी नींद से उठा और उठते ही उसने मोबाइल हाथ में लिया। चलो देखता हूँ किस किस ने मुझे हैप्पी संक्रांति विश किया है। अरे ये क्या, पतंग का पेड़। हरी बिस्तर से उठकर भागते हुए नीचे सोसाइटी कैंपस में आया। कैंपस के बीचों बीच खड़े पेड़ पर काफी सारे रंग बिरंगी पतंग फड़फड़ा रहे थे। पतंग का ये पेड़ देखने के लिए काफी सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वाओ पतंग का पेड़, ये फोटो गट्टू ने अपलोड की थी ना? हाँ
जैसे ही सुबह व्हाट्सएप खोला ये दिख गया। भागते हुए नीचे आया तो सच में पतंग का पेड़ था। पहले तो मुझे लगा कि मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अरे क्या यार, हम भी ऑनलाइन तो दिन रात गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं, लेकिन आज इतने दिनों बाद ऑफलाइन मिल रहे हैं, फिर भी कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा। अरे आज मकर संक्रांति भी है। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चलो अब पतंग उड़ाते हैं। ए नहीं, ये गट्टू की फैमिली ने बनाया है, उनके परमिशन के बिना कैसे। तभी पीछे से आवाज आई, नो परमिशन, ओनली सेलिब्रेशन। पीछे गट्टू और उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। गट्टू की मम्मी ने सबको तिल गुड़ के लड्डू बांटे। हैप्पी संक्रांति बच्चों। हैप्पी संक्रांति। ये पतंग का पेड़ आप सभी के लिए बनाया है, जितने चाहिए उतने पतंग लो और उड़ाओ, बस एक शर्त है। क्या? आज दिन भर कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। ऑनलाइन तो बहुत त्योहार मना लिया यार, आज ऑफलाइन मनाएंगे। ये सुनकर सारे बच्चे शर्मिंदा हो गए। सॉरी यार गट्टू, ऑनलाइन आने में जो मजा नहीं, वो सबके साथ ऑफलाइन जीने में है। ये बात हमें इस पतंग के पेड़ के बहाने पता चली। चलो आज हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और संक्रांति के शुभ अवसर पर नई शुरुआत करेंगे। फिर क्या, सारे बच्चों ने एक एक पतंग पेड़ से काट लिया और सब मिलकर रंग बिरंगी पतंग आसमान में छोड़ने लगे।